हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके, बीएसटीसी के, और वो भी सब्जेक्ट रीजनिंग के। देखो, अगर आप इस सीरीज में बने रहे ना तो आपके 150 में से 150 नंबर किसमें, ओनली रीजनिंग की गारंटी, ठीक है। 150 में से 150 नंबर लाना मेरी गारंटी है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन रख रहा है। जब आपको सारे टाइप पता होंगे तो आपको आसानी रहेगी कि आप कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए, कौन सी ईयर के, 2020 के। 2020 में आपको 4 क्वेश्चन आए थे। देखो, एवरेज होता है 5 क्वेश्चन का अधिकतर, अल्फाबेट टेस्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 आते हैं, ठीक है, नॉर्मली बात करूँ तो मैं। अब 2020 में कितने क्वेश्चन आए, 4 आए, लेकिन 21 में कितने क्वेश्चन आए, करीब 6 या 7 क्वेश्चन आए। 18 में भी 18 19 में भी 5-5 6-6 क्वेश्चन आए, तो ठीक है। तो रेशियो अगर मैं बताऊं आपको तो 5 क्वेश्चन का रेशियो बन रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब ये किस प्रकार से सॉल्व होगा, देखो ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, काफ़ी लोग तो देख के ही तुक्का लगा के भाग आते हैं कि इस ऐसे ये क्वेश्चन है, होगा नहीं, तुक्का लगाओ और निकलो यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपकी जो भी आपको अल्फ़ाबेट का जो पूरी टेबल होती है ना, वो याद कर लो आप, कौन सा जो लेटर है वो कौन से नंबर पर आता है, वो अगर याद है आपको तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, आप काफ़ी लोगों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये देखना है कि यदि ये इस वर्ड का संबंध इस वर्ड से है तो इसका संबंध यहाँ पर आपको वर्ड निकालना है। इसका मतलब सवाल का ये होता है कि जो इन दोनों में संबंध है ना, वो इन दोनों में होगा, तो इस दोनों का जब संबंध पता चल जाएगा ना, तो इसमें वो संबंध फॉलो कर देना, तो यहाँ पर एक नंबर अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे एक संख्या अपने आप आ जाएगी। बात कैसे आएगी देखो बताऊँ मैं। अच्छा, y की वैल्यू बताओ, y कौन से नंबर पर आता है, आपको पता है क्या, y कौन से नंबर पर आता है, y z, तो y 25वें नंबर पर आता है ना, ठीक है। और ये कितने पर आता है, 23 पर आता है। z कौन से पाता है बताओ, 26 पर आता है। और x कितने पाता है बताओ, x कौन से पाता है बताओ, x y z 24 पर आता है ना, 24 पर आता है, ठीक है ना, सही है यहाँ तक ठीक है। अब बात करता हूँ मैं USDT की। USDT, अब मुझे एक बात आपको याद है, अगर USDT कौन से नंबर पर आता है तो आपको आसान रहेगी, ठीक है। मैं बात करता हूँ USDT की, तो U को नंबर पर आता है हमारा, देखो U आता है हमारा 21वें नंबर पे, V आता है हमारा 22वें नंबर पे, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं SDT की, UBST। अच्छा, तुम्हें पता है ST, अब ये ST आता है हमारा 20 पे, और S आता है ये हमारा 19 पे आता है, ये हमारा क्या आता है, 19 पे आता है, जी हाँ, ठीक, ये हमारा 19 पे आता है। तो आपको जब ये वर्ड, अब आप पता लगाओ कि इस, देखो जब 4 वर्ड आते हैं ना, तो मतलब प्रत्येक का प्रत्येक से संबंध होता है, प्रत्येक का प्रत्येक वर्ड से संबंध होता है, और वो भी क्या सिक्वेंस में। देखो Y का U से संबंध है, तो 25 है यहाँ पर, माइनस यहाँ पर 21 है, कितने कम हो रहे हैं, माइनस के 4 कम हो रहे हैं ना, 23 और 19 कितने, 4 कम हो रहे हैं, माइनस के 4 कम हो रहे हैं। अच्छा, 26 से 22 यहाँ पे भी -4 और यहाँ पे भी -4, गौर से देखो आप, -4 कम हो रहे हैं ना, ध्यान से देखना, ठीक। अब जैसे यहाँ पर 4 हो रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस वर्ड से जो यहाँ पे जो वर्ड आएंगे, उस प्रत्येक वर्ड में यहाँ से जो भी है 4 कम होंगे, यहाँ से -4 कम होंगे, यहाँ से भी -4 कम होंगे, यहाँ से भी -4 और यहाँ से भी -4 कम होंगे आएंगे, कह सकता हूँ मैं भाई, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर रिलेशन पता चल गया है, और जब यहाँ पर सेम रिलेशन है, वो इसी प्रकार रिलेशन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब बात यहाँ पर बर्ड कौन सा है, यहाँ पर हमारा बर्ड है MKNL। MKNL ये बर्ड है हमारा। अगर मैं बात करूँ M कितने नंबर पर आता है, 13वें नंबर पर आता है, और M के बाद में N, ये 14 नंबर पर आता है ना। K 11वें नंबर पे, L 12वें नंबर पे, आज यहाँ तक पता है आपको। देखो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, अगर याद है तो ही आसान है आपको याद करना, ठीक है, सब सवाल करना। अब मैं बात करूँ कैसे करोगे, बताया था मैंने प्रत्येक में 4 कम करना है, ठीक। अब यहाँ पर 13 में -4 करोगे तो कितना, 9th नंबर का वर्ड बताओ, यहाँ पर 7th नंबर का बताओ, यहाँ पर 10 नंबर का बताओ, और यहाँ पर आप 8th नंबर का बताओ मुझे, ठीक है, बताओ। अब यहाँ पर मैं बर्ड देखता हूँ, तो 9वें नंबर पर आई आती है ना, ठीक है। और 7 नंबर पर क्या आता है हमारा, शायद जी आता है, शायद क्या कन्फर्म है, जी आता है। और जे 10 पर आता है ना, और H 8 पे आता है। तो हमारा जो यहाँ पर वर्ड है वो क्या हो गया, IZJH, जो इसमें संबंध है वो इसमें होगा, कोई समस्या नहीं है ना, याद रहेगा। देखो फिक्स सवाल है, इस टाइप का सवाल एक आएगा, डेफिनेटली आएगा,
ठीक है, आपको याद रखना है किस प्रकार सवाल बन रहे हैं, किस प्रकार सवाल बनते हैं, तो ये याद है, ठीक है, साफ करें, इसका आंसर याद दिया जाएगा IJGS, ठीक है, ये आंसर है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रहे हैं आपके लिए, ठीक है, सारे के सारे। वीडियो वगैरह शेयर कर दिया ना, जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने मित्रों को बताना ये वाली बात कि यहाँ से। अब बात करता हूँ मैं अगले वर्ड की, अगले वर्ड में क्या कहा गया है कि स्टाइल को, एक स्टाइल वर्ड है, स्टाइल को हम क्या लिख सकते हैं, UVZJC, UVZJC। यदि मैं स्टाइल को ये लिख सकता हूँ तो प्रत्येक का संबंध है, ये तो पता ही होगा आपको, सीक्वेंस होता है, प्रत्येक का संबंध होता है एक से, ये ईसी है, ये होता है हमारा, ठीक है, यहाँ तक होगा कंप्लीट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, देखो जिस प्रकार स्टाइल को ये लिखा है और ब्लंट को हमने DNVLR लिखा है, ब्लंट को DNV, तो हमको क्या लिखना है, मोल्ड की बताना है कि मोल्ड को क्या लिखेंगे। तो आप सीधी सी बात है, आप इनमें से किसी का, किसी में एक में संबंध देख लो, एक में संबंध देख लो, जब एक में संबंध आपको पता चल जाएगा ना, तो वो संबंध यहाँ पर फॉलो कर देना, मोल्ड में फॉलो कर देना, ये वर्ड में MOULD इसमें लगा देना, वही आ जाएगा। बात करता हूँ मैं स्टाइल की, स्टाइल को क्या कहा इसने, UVZJC कहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ एस कौन से नंबर पाता है, बताओ मुझे एस कौन से नंबर पाता है। अच्छा आपको एक वर्ड याद बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले वर्ड एक वर्ड है आपको इजोटी वर्ड, ठीक है, काफ़ी फेमस वर्ड है। अच्छा ये वर्ड क्यों बताया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका जो पाँच के गुणांक में जो भी नंबर आते हैं ना आपके अल्फ़ाबेट टेस्ट में, वो आपको याद हो जाएंगे। जे 10वें नंबर पर आता है, ओ 15वें नंबर पर आता है, टी किस नंबर पर आता है बताओ, टी कौन से नंबर पर आता है बताओ 20 पे, और वाई 25 पे, 5, 10, 15, 26, ठीक है, बात करता। अब ये मैंने क्यों बताया, अब देखो आप टी है, टी अगर टी याद है 20 पे नंबर पे, तो एस टी आप अल्फ़ाबेट तो याद होंगे, ST, टी से पहले एस आता है, जब टी 20 पे आता है तो एस कौन से नंबर पे आ जाएगा, 19 पे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, S 19 पे नंबर पे, टी 20 पे नंबर पे पता हो गया आपको। और वाई कौन, वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है, ये पता है आपको, ठीक है, एल 12 पे आता है, ई 5 पे आता है, यहाँ तक हो गया, कंप्लीट है ना, ठीक है। अब इनका नंबरिंग करो आप, यू बताओ, यू कितने पे आता है, 21 पे, वी 22 पे आता है, जेड 26 पे होगा, जे बताइए मुझे, जे 10 पे, और सी 3, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं है ना। अब संबंध देख लो आप, हमारा पहले वर्ड में क्या किया इसने, पहले लेटर में क्या किया बताओ मुझे, प्लस 2 किया है, ये 19 है, 2 बढ़ गए 21 हो गए, 19 से 2 बढ़ गए 21 हो रहे हैं, ठीक है, 19 से 2 बढ़ गए 21 हो रहे हैं। अब यहाँ पर 20 टी और बी में संबंध देखो, यहाँ पर भी प्लस 2 हो रहे हैं, ठीक है, 20 से 22 पे, अब देखो यहाँ पर 25 है, ये 26 है, प्लस 1 हो रहे हैं यहाँ पे। अब बात करता हूँ मैं एल की, एल पे देखो क्या है, एल और जे प्लस 2 है, माइनस 2 है, बताओ मुझे भाई, ये 12 है, ये 10 है, तो माइनस 2 हो रहे हैं ना, इधर भी माइनस 2 हो रहे हैं, ठीक है, तो इनमें संबंध हमको चल गया ना पता क्या संबंध है, ठीक है। अब जो संबंध यहाँ पे है, अब चाहे इसमें चेक करो या नहीं करो, ब्लंट वाले में, अब ब्लंट वाले में चेक करो मत करो, सेम आएगा, तो हम डायरेक्ट ही मोल्ड को लिख देते हैं, MOULD, ये मोल्ड को लिख दिया, मोल्ड को लिख दिया। अब मोल्ड हम बताओ किस नंबर, M कितने पे आता है, 13 पे आता है, O कितने पे आता है बताओ मुझे, 15 पे आता है, U 21 पे आता है, L 12 पे आता है, D 4 पे आता है, याद है आपको ये वाले, ठीक है, याद नहीं है तो याद हो जाएंगे जितना क्वेश्चन करोगे। अब बात करता हूँ मैं, अब करना कैसे बताओ मुझे, संबंध हमको पता चल गया ना, चल गया, यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस 2, यहाँ पर भी प्लस 2 करना है, यहाँ पर प्लस 1 करना है, यहाँ माइनस 2, यहाँ माइनस 2, मैंने बताया प्लस 2 प्लस 1 प्लस माइनस 2, सेम संबंध है। अब 13वें नंबर पे, तो यहाँ कौन से नंबर पे आएगा, 15 पे, यहाँ पे 17 पे, यहाँ पे 22 पे, और यहाँ पे 10 पे, और यहाँ पे कितने पे, 2 पे, ठीक है। 15वें नंबर बताओ क्या आ जाएगा, 15वें नंबर पर क्या आता है, ओ आता है ना, ओ 15वें नंबर पर आता है, बिल्कुल। अब 17वें नंबर पर क्यू आता है, 22वें नंबर पर वी, और जे 10, जे पे 10, 10 पे जे मतलब, और बी, ये आपका आंसर हो गया, इस वाले का, सेकंड वाले का ये आंसर हो गया, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब इधर देखो आप, सॉरी, इधर मैं बात करूँ बैट की, यदि बैट को 23 कहा है तो कैट को क्या कहेंगे, ठीक हो। अब अच्छा, अब आप एक बात देखो, ये 23 कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, अब नंबर देखना, बी को क्या बोलते हैं, 2, ए को 1, और टी 20वें नंबर पे आता है, इनका योग कर दो क्या हो जाएगा, 23 हो रहा है, तो कैट 30, सी 3 नंबर पे, ए फर्स्ट पे, और टी
20 पे, तो इनका योग कर दो कितना आ जाएगा 24। तो कैट को क्या बोलेंगे हम, 24 बोलेंगे। आंसर हो गया, ठीक है। अब इधर देखो आप, ये सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक रिक्त स्थान मिलेगा, रिक्त स्थान की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। कैसे करोगे आप, अब देखो सबसे स्टार्ट वर्ड देखो, यहाँ पर तीन है, तो अपने जो ये पहला वर्ड है, ये पहला, तो यहाँ पर पहला, तीनों में अलग अलग हो सकता है अंतर हो। अब यहाँ पर एस से देखो, ये टी जा रहा है, टी से देखो यहाँ पे यू जा रहा है, मतलब देखो यहाँ पर सेम प्लस वन हो रहे हैं, ये प्लस बने। अब यू से भी देखो, जब ये प्लस बने तो ये भी प्लस वन ही होगा यू से, तो प्लस वन करके यू से क्या आ जाएगा यहाँ पे वी, ठीक है। अब यू से प्लस वन करके डब्लू आ रहा है क्या, प्लस वन करके बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारा सही है, हो गया, ठीक है। देखो आप ज़रूरी नहीं है तीनों चेक करो, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप फर्स्ट चेक कर लो और थर्ड चेक कर लो, ऑप्शन देख लो कौन कौन से ऑप्शंस अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं कि तीनों चेक करो आप, बिल्कुल नहीं करने आपको, तीनों आपका टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा है आप देख लिया करें, जो समान है वो मत करो, जो अलग अलग हैं वो चेक करो। आपके पास मैं जैसे अभी यहाँ पे, अब सी को देखो, अगले देखूँ मैं सी से, देखो सी पे ई, सी कौन से नंबर पे आता है बताओ मुझे, तीन पे आता है, तीन पे आता है। और ई कौन से नंबर पे आता है, पाँच पे, प्लस टू हो रहे हैं। अगर ई से मैं जी पे बात करूं तो जी कितने नंबर पे आता है, सेवन पे आ रहे हैं, प्लस टू हो रहे हैं। इसके बाद में जी पे, अब जब यहाँ से प्लस टू आ रहे हैं तो यहाँ पर भी प्लस टू होगा, और सेवन टू प्लस टू नाइन हो गया, और नाइन पर क्या आता है आई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आई आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे चेक करें, आई से के हो रहा है, आई नौवीं नंबर पे, के ग्यारहवें नंबर पे, बिल्कुल सही है, प्लस टू हो रहा है, सही आ रहे हैं हम। इसके बाद में डी से देखो, अब डी कितने नंबर पर आता है, फोर्थ पर आता है। ई एफ कितने पर आता है, एफ आता है कौन सौ पे, सिक्स पे आता है ना एफ, एफ सिक्स पे आता है। अब प्लस टू हो रहा है भाई, फोर से सिक्स प्लस टू हो रहा है, इधर एफ से, एफ से एच पे, एच कौन से नंबर पर आता है, एट पे आता है, ये भी प्लस टू हो रहा है। अब एट पे आता है तो यहाँ पर भी प्लस टू होगा, ये भी प्लस टू होगा, प्लस टू मतलब एट से प्लस टू टेन। अब टेन नंबर पर कौन सा आता है बताओ मुझे, जे आता है, जे आता है टेन नंबर पर, बिल्कुल जे आता है, जे हो गया। अब जे से प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे टेन पे प्लस टू करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 पे क्या आता है हमारा एल आता है, 12 पे क्या आता है एल आता है। तो इसका आंसर हो गया वी आई जे, वी आई जे। ऑप्शन से किस प्रकार करोगे, देखो ऑप्शन आपको चार आएंगे, एक तो वी आई जे एच आ सकता है, वी आई जे हो सकता है, एक वी आई आई हो सकता है, एक वी आई के हो सकता है, ये हो गए। अब आपको पहला वर्ड चेक नहीं करना है, यहाँ पर दूसरा वर्ड भी यहाँ पर नहीं चेक करना है अगर आपको आगे जाना है तो, ठीक है। ये वर्ड नहीं चेक करने है, तो आपको ये वर्ड बचेगा थर्ड, डायरेक्ट थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड चेक करो सब में, और जो सीक्वेंस आएगा वो आंसर दे दो, ठीक है। तो देखो बने रहो इस सीरीज़ के साथ में आप लोग, ठीक है, और जितना हो सके फ्रेंड लोगों को शेयर कर दिया करें, और 101% मैं बोल रहा हूँ आपको 150 से 150 नंबर ही ला के दम लूँगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते आप क्या करोगे, आप हमारे साथ में रेगुलरिटी बना के रखें, ठीक है ना। और जो लोग सीरियस हैं ना BSTC को लेकर के, वही लोग इस वीडियो को देखें, ठीक, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, तो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।